वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो है पाव भाजी की रेसिपी। और पाव भाजी की रेसिपी बनाने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पाव भाजी बनाने का प्रोसेस। सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने डाला बटर। और पाव भाजी में बटर बहुत ज़रूरी है, बटर के बिना भाजी नहीं बनती है, तो इसलिए मैं बटर डाल ली हूँ। उसके बाद मैंने डाला जीरा। जीरा चटक जाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज और हरी मिर्च। प्याज को बहुत बारीक से काटना है और इसे थोड़ा सा मिलाएंगे। और इसका कलर चेंज होने के बाद इसमें मैं डालूँगी गोभी। गोभी डाल के थोड़ी देर चलाना है। इसका कलर चेंज हो जाने के बाद उसमें मैं डाल रही हूँ गाजर और शिमला मिर्च। अब इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब इसमें डालेंगे हरा मटर और उसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। उसके बाद और इसे फिर ढक के थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे नमक डाल के। अब ये पक गया है। अब इसमें डालेंगे टमाटर, ये दो टमाटर लिया है मैंने। अब इसे अच्छी तरह से मिला के अब आया मसाला डालने की। अब इसमें मैंने डाला हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, और फिर इसमें मैं थोड़ी सी डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे कि कलर बहुत अच्छा आता है। आप रेड कलर का भी यूज कर सकते हो। और फिर अब मैं डाल रही हूँ पाव भाजी मसाला। फिर हरी धनिया की पत्ती डाली मैंने और इसे फिर अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब लास्ट में अब मैं इसमें ऐड करूंगी आलू मैश किए हुए। अब इसे भी अच्छी तरह से मिलाना है। अब इसे एक मैशर की सहायता से इसको बहुत अच्छी तरह से मैश करना है, क्योंकि भाजी जितना ज़्यादा मैश होगा वो उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। इसे बहुत अच्छी तरह से मिलाना है। और फिर आप इसमें डालेंगे इसको थोड़ा सा और अच्छे से भूनने के बाद पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद भी थोड़ा अच्छा से मिलाना है। फिर इसे ढक के थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब मैं इसे में इसका छौंका लगाऊंगी, तो इसके लिए लिया मैंने बटर। बटर पिघल जाएगा तो फिर इसमें मैं डालूंगी पाव भाजी मसाला। एक चम्मच पाव भाजी मसाला को डाल दिया मैंने, और अब इसे में भाजी में छौंका लगाएंगे। इसको फिर ढक देंगे। फिर उसके बाद इसमें डालेंगे नींबू का रस और उसके गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। और अब आया बाड़ी पाव बनाने की। इसके लिए मैंने लिया है एक पैन, पैन में डाला है बटर और में डालेंगे पाव। इसको सेक लेंगे दोनों तरफ अच्छी तरह से।